हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अलीबाग से माथेरन। सो लेट्स गो विथ मी गाइस, लेट मी शो यू माय फैशन ऑफ द डे। द सन इज अप, इट्स ब्यूटीफुल डे, माय बिगिनिंग विल बी एज ब्राइट एज द सन। सो नाउ इट्स टाइम जहाँ पे हम हमारे अलीबाग विला यानी इको स्टे को बाय बोलते हैं और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है माथेरन। गाइज हम लोग ये वाले रास्ते से आए थे, अब हम लोग यहाँ पे हमारा नाश्ता कर रहे हैं। लेट मी शो यू हमने नाश्ते में क्या खाया। हम लोगों ने यहाँ पे मिसल पाव, डोसा, उत्तपम और इडली सांभर मंगवाए थे। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। गाइज अब हम लोग नाश्ता करके फिर से हमारे रास्ते पे निकल चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ का मौसम कितना मस्त हो रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ज्यादा धूप भी नहीं है और बादल सब जगह, बहुत ही मस्त वेदर है। सो गाइज हम लोग फाइनली नेरल पहुंच गए हैं। नेरल जो है वो नीचे है और माथेरन जो है वो ऊपर है। यहाँ से आपको टॉय ट्रेन लेके 45 मिनट्स का सफर रहेगा। यहाँ से आपको टॉय ट्रेन लेके माथेरन जाना होगा। ने जैसी टेम्पो ट्रैवलर बुक की थी ना, इतनी बड़ी वो टेम्पो ट्रैवलर ऊपर अलाउड नहीं है। आप ये वैन जाता हो देख रहे हो, हाँ बस वैसी वैन में आपको ऊपर ले जाया जाएगा, क्योंकि हमारे नसीब इतने अच्छे थे ना कि टॉय ट्रेन बंद थी उस टाइम पे। और ये वाले वैन वाले भैया पर पर्सन 100 रुपीज लेते हैं और मैक्सिमम आपको 5 से 6 जने ही एक वैन में बिठा के ऊपर ले जाएंगे। और गाइज ये वैन जो है वो आपको एकदम अंदर तक नहीं छोड़ेगी, आपको बाहर ही छोड़ देगी। वहां से आपको टिकट लेके आगे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप घोड़ा, ई रिक्शा या कूली करवा के अपने होटल तक जा सकते हो। वो मैं अभी आपको आगे वाले ब्लॉग में बताती हूँ, स्टे ट्यून विथ मी। गाइज यहाँ का वेदर कितना मस्त है। अगर आप लोग लो बजट में पहाड़ों पे जाना चाहते हो ना तो माथेरन जरूर विजिट करना। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो झरने भी है काफी सारे, पहाड़ भी है और एकदम मस्त फॉगी वेदर है यहाँ पे। गाइज हमारे टाइम पे तो टॉय ट्रेन बंद थी, पर अगर आप यहाँ पे आओ ना तो टॉय ट्रेन में जरूर बैठना। ये हम कैसे रोड से सफर कर रहे हैं सारा रास्ता, वैसे आपको ट्रेन में ये पूरा पहाड़ घुमाया जाएगा और वहां से आपको माथेरन ऊपर पहुंचाया जाएगा। गाइज हम लोग इतना ऊपर आ गए ना कि आप देख सकते हो नीचे सिटी भी दिख रहा है, कितना मस्त नजारा है ये। और गाइज कार जो है वो काफी स्टेशन पहले ही रुक जाती है, पर जो टॉय ट्रेन है वो एट द एंड माथेरन स्टेशन तक जाती है। वो जो पूरी जर्नी है वो 45 मिनट्स की रहती है। गाइज आप देख रहे हो ये यहाँ का वैन का पार्किंग है, ये हम लोग को यहाँ पे उतार देंगे। और हमको एक गुड न्यूज मिली थी कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही हम लोग टॉय ट्रेन ले सकते हैं। वो टॉय ट्रेन 1.5 किलोमीटर रहेगी और 1.5 किलोमीटर के बाद वो हमको माथेरन स्टेशन पे छोड़ देगी। गाइज ये है यहाँ की एंट्री टिकट, आप चाहे नीचे से टॉय ट्रेन में बैठो या ऊपर से टॉय ट्रेन में बैठो, आपको ये टिकट जो है वो आपको लेनी ही पड़ेगी और तभी आपको एंट्री दी जाएगी। यहाँ से आपकी एंट्री होगी अगर आप ऊपर से टिकट लेते हो तो। और गाइज ये यहाँ का मैप भी दिया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। गाइज ये रही हमारी एंट्री टिकट जो हम लोगों ने ली थी। ये टिकट आपकी चेक होगी, उसके बाद ही आपको अंदर आने दिया जाएगा। गाइज यहाँ का वेदर बहुत ही मस्त है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, सो ब्यूटीफुल यार। वहां से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आपको पूरा चल के जाना पड़ेगा टॉय ट्रेन के स्टेशन तक, वहां से टॉय ट्रेन की टिकट लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी खाने की चीजें भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फोन कवर, रेन कवर सब कुछ मिल जाएगा, पर ऑब्वियसली कॉस्टली होंगे, तो हो सके तो आप अपने घर से लेके आना। अगर आप भूल गए हो तो आप यहाँ से भी आके ले सकते हो। यहाँ से एंटर होते ही आपको ये जो लाइन दिखेगी ना, ये ई रिक्शा की लाइन है, आप यहाँ पे रिक्शा से भी जा सकते हो। गाइज ये रहा ई रिक्शा का टिकट बूथ, आप देख सकते हो यहाँ पे रेट्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे लोकल्स के लिए और टूरिस्ट के लिए अलग से लाइन है ई रिक्शा की।
गाइज, ये रही यहाँ की ई रिक्शा, आपको ऐसे रिक्शा में बिठा के लेके जाएंगे। और अगर आपको रिक्शा में नहीं बैठना है तो आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे घोड़े भी है, यहाँ से आप घोड़े करके भी जा सकते हो। गाइज मेक श्योर करना कि ये जो ई रिक्शा है वो मार्केट तक ही उतारेगी। अगर आपकी होटल जो है वो मार्केट के आसपास है तो वेल एंड गुड। हमारी होटल जो थी वो मार्केट से काफ़ी दूर थी, मतलब अंदर अंदर की साइड थी, तो वहाँ पर हमको और चल के जाना पड़ा था। और अगर आप यहाँ से घोड़े कर रहे हो तो घोड़े वाले से डील कर लेना कि वो आपको आपकी रिसोर्ट तक उतार के जाए, और फिर उसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइड करना। गाइज यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो गाइज अगर आप यहाँ पे आओ ना तो अपना रेन कवर साथ में लेके ही आना, क्योंकि यहाँ पे बारिश हमेशा चालू ही रहेगी। गाइज माथेरन में हो सके ना उतने कम सामान और कम थैले लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बैग कोई ले जाता ही नहीं। आप ये कैबिन बैग देख रहे हो, ये सब लोगों ने मना कर दिया। ई रिक्शा वाले भी नहीं ले जाते, घोड़े वाले भी नहीं ले जाते। हम लोगों को स्पेशली हमारे बैग के लिए कूली करना पड़ा था। गाइज आप यहाँ पे ऐसी हाथ रिक्शा में भी बैठ सकते हो। और गाइज अगर आपका सामान बहुत ज्यादा हुआ ना तो आप देखो ये सब लोग कैसे घसीट के अपनी सूटकेस लेके जा रहे हैं, वैसे आपको घसीट के लेके जानी पड़ेगी क्योंकि कूली भी मना कर देंगे। आप देख रहे हो कैसे सब लोग घसीटते हुए अपनी सूटकेस को लेके जा रहे हैं। और गाइज अगर आप सूटकेस लेके आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप टॉय ट्रेन में ही बैठो, क्योंकि टॉय ट्रेन में ही ये सूटकेस अलाउड है, बाकी कोई आपकी इतनी बड़ी सूटकेस नहीं लेके जाएगा। गाइज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये गुगिया जो है वो लेके ही आना, वरना आपको यहाँ से ये 50 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। हम लोग ने भी वही लगा रखी है, यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है। हमारे सामानों के लिए भी हम लोगों ने कूली किया है, ये हमारे सामान गीले नहीं होके ऐसे लेके जा रहे हैं। गाइज यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन की टिकट मिल जाएगी। टॉय ट्रेन जो है उसके टाइमिंग्स और उसके प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा टॉय ट्रेन की टिकट लेने के लिए। गाइज हम लोगों ने पहले कूली करवा लिया था, इसलिए हमारे साथ जो एक अंकल थे ना वो ये वाले रास्ते से, टॉय ट्रेन के रास्ते से हमारी होटल तक गए हैं कूली को लेके, क्योंकि ये वाला रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता है। बाकी तो वो घोड़े वाले जो चलते हैं ना वो वाला रास्ता है, और वॉकिंग वाले सब लोग इसी रास्ते से जाते हैं। हम लोगों ने अमन लॉज स्टेशन से ट्रेन ली थी माथेरन स्टेशन तक। गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह कितनी फॉग है, यहाँ पे विजिबिलिटी कितनी कम है। पूरा जो है हमारा एक ग्रुप है गुगिया पहन के खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भयंकर बरसात हो रही है। देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है, विजन बिल्कुल लो है, यहाँ पे इतना फॉग है। गाइज ये हमारी ट्रेन आ गई है, और गाइज ये ट्रेन में आपको दौड़ के पकड़ने की जरूरत नहीं है कि जल्दी जाके हम विंडो वाली सीट ले लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको सीट अलॉट की जाती है, वो सीट नंबर पे ही जाके आपको बैठना होता है, और टीसी आता है जो आपकी टिकट चेक करता है यहाँ पे। गाइज हम लोग फाइनली हमारी सीट पे बैठ गए, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू माथेरन। हमारी ट्रेन अमन लॉज से निकल गई है, और आप ये नज़ारे देख रहे हो, बस ऐसे ही नज़ारे आपको पूरे रास्ते देखने मिलने वाले, और साथ साथ में आपको लोग भी देखने को मिलेंगे जो ये रेलवे ट्रैक से अपनी रिसॉर्ट तक चल के जा रहे हैं। गाइज हम लोग फाइनली माथेरन स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर जितना ट्रेन में ट्रैवल किया था। अब हम लोग ये स्टेशन से उतर के हमारी रिसॉर्ट जाएंगे। वो आप रिसॉर्ट जो है वो या बाय वॉकिंग भी जा सकते हो, यहाँ पे घोड़े भी करवा सकते हो। टॉय ट्रेन से उतर के आपको हमारी होटल जाने के लिए अभी और चलना पड़ेगा। यहाँ पे आगे आप देख रहे हो, यहाँ पे और चलना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से टॉय ट्रेन से आपकी होटल तक भी जा सकते हो घोड़ा लेके। घोड़े वाला जो है वो 300 रुपये लेगा आपके, हमको उन्होंने 300 रुपये बोले हैं। गाइज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ से चल के ही हमारे रिसॉर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमारे रिसॉर्ट इतनी ज़्यादा भी दूर नहीं थी कि चला ही ना जा सके। गाइज आई मस्ट से कि यहाँ के सारे घोड़े इतने तगड़े हैं ना, आप देख रहे हो इनकी हाइट देखो खाली, कितने मस्त घोड़े हैं ये सारे। ये घोड़े भी हेड बो करके हमको वेलकम टू माथेरन बोल रहे हैं। गाइस यहाँ का वेदर देखो कितना मस्त है। यहाँ पे सब लोगों ने रेन कवर पहन लिया क्योंकि फिर से बारिश शुरू हो गई है। गाइस यहाँ के घोड़े बहुत मस्त है, मेरा तो दिल आ गया इन घोड़ों पे। इतने मस्त घोड़े मैंने कभी नहीं देखे होंगे, स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तो इतने मस्त घोड़े मैंने कभी भी नहीं देखे। और गाइस यहाँ पे बारिश के साथ साथ हवा भी काफी तेज चल रही थी, इसलिए हमको बहुत मजा आ रहा था। From your dream and very sweet place.
से चल के आओगे फिर ये उषा रिसोर्ट है। उषा रिसोर्ट से 5-10 मिनट और चलना है आपको, मिनिमम तो आपको 1.5 किलोमीटर तक तो चलना ही पड़ेगा। सो गाइज, हम लोग फाइनली बाइक हेरिटेज पहुंच गए हैं, जिसका टूर मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। और गाइज, हमारा आज का ये व्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।